हेलो दोस्तों, मैं हूँ आयुष्मान और आप लोग देख रहे हो माय वर्क माय फ्यूचर। अभी मैं आप लोगों को मिल्क टाइम के बारे में बताऊंगा, मतलब सुबह, दोपहर और रात को खाने का नाम। मिल्क टेकन इन द मॉर्निंग इज कॉल्ड ब्रेकफास्ट, मतलब सुबह के भोजन को ब्रेकफास्ट कहते हैं। सुबह की खाना बहुत इम्पोर्टेंट है। सुबह में हल्का खाना सेहत के लिए अच्छा है, इसलिए हर दिन ब्रेकफास्ट खाना चाहिए। सुबह के बाद हम लोग दोपहर में भोजन करते हैं। मील टेकन इन द आफ्टरनून इज कॉल्ड लंच, दोपहर का खाना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दोपहर में हम लोग काम सबसे ज्यादा करते हैं, इसलिए खाना भी ज्यादा खाना चाहिए, काम करने के लिए ताकत मिल सके। इसीलिए दोपहर का खाना हर किसी के लिए जरूरी होता है। दोपहर के बाद हम लोग रात में खाना खाते हैं और रात के खाने को डिनर कहते हैं। मील टेकन इन द नाइट इज कॉल्ड डिनर, डिनर कम खाना चाहिए क्योंकि रात को हम लोग काम नहीं करते, इसलिए ताकत भी ज्यादा नहीं लगती। रात को खाने के बाद हम लोग सो जाते हैं, लेकिन ध्यान रहे रात को खाने के बाद 2 घंटे से पहले नहीं सोना चाहिए। हम जो खाते हैं उनमें से एक इम्पोर्टेंट चीज है शुगर। शुगर मीठा होता है, शुगर इज स्वीट, शुगर इम्पोर्टेंट है लेकिन लिमिट में खाना चाहिए। हम जो खाते हैं उनमें से एक इम्पोर्टेंट चीज है लेमन, लेमन इज सोल्ट, लेमन में विटामिन सी होते हैं और विटामिन सी हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। हर दिन एक लेमन खाना चाहिए। खाने की और एक इम्पोर्टेंट चीज है सॉल्ट, सॉल्ट इज सोल्टी, सॉल्ट के बिना कुछ भी खाना टेस्ट लेस है। ज्यादा नमक खाना ठीक नहीं है क्योंकि ज्यादा सॉल्ट हमारे बॉडी को नुकसान करता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।